गुड मॉर्निंग माई टूडेज टॉपिक इज लव सो मैनी पीपल आस्क सो मेनी कॉल्स कम टू मी एंड दे आस्क में वॉट इज लव कि मुझे ऐसा लगता है कि आई मैन लव विद हिम आई मैन लव विद हर बट इज़ इट लव फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ लव लव वी आर इन लव वैन वी डोंट नीड एनी थिंग जब हमें सामने वाला जैसा वो है वैसा ही एक्सेप्ट होता है और हम उसकी खुशी के लिए करते हैं जो भी करते हैं तो हम उससे प्यार करते हैं लव इज़ सबसे इम्पोर्टेंट लव इज़ अनकंडीशनल जहाँ कंडीशंस आ गई कि आई लव यू अगर ऐसा करते हो तो दैट इज़ नॉट लव वो कोई लव नहीं है वो एक ट्रांजेक्शन है तीन चीज़ें हैं लव रिलेशनशिप एंड नीड वॉट इज अ रिलेशनशिप आई मे हैव अ रिलेशनशिप विद समी इट डजेंट मीन दैट आई एम इन लव विद हिम आई एम इन अ रिलेशनशिप विद समी उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उस रिलेशनशिप के मगर रिलेशनशिप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि प्यार हो सेकेंड थिंग इज नीड आई नीड दिस फ्राम दिस पर्सन यू मस्ट हैर्ड मैनी अ टाइम्स आई लव यू फॉर दिस उस चीज़ के लिए प्यार है जो किया है लेकिन आई डो मतलब अंदर से दिमाग को ये पता है कि आई डोंट लव यू अंदर से हम हम सबको सब कुछ पता है मगर हम मानते नहीं हैं सो लव मीन्स गिविंग नॉट डिमांडिंग नॉट इवन थिंकिंग ऑफ सम थिंग लव मीन्स जस्ट गिविंग अनकंडीशनली लव इज जो एक माँ करती है बच्चे से ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में लव नहीं होता उसमें भी होता है बिल्कुल होता है एन यू स्टार्ट गिविंग द अदर पर्सन हैप्पीनेस जब बहुत 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 सारा आप खुशी देते हो और आप सामने वाले को दुखी नहीं देख सकते कभी कभी वो आपको कुछ बोल दे तो आप उसके अंदर कंडीशंस नहीं लगाते हो नहीं। आपको वो खुश चाहिए और लव में दो लोग नहीं होते हैं वो आप हैं आप वो हो वो दुखी है तो आप दुखी हो वो खुश है तो आप खुश हो वही प्यार जो माँ बच्चे से करती है जो प्यार सुदामा और कृष्ण जी के बीच में था बहुत पुराना इंसिडेंट है सबको पता है कि सुदामा की वाइफ ने कृष्ण जी के पास भेजा था कि हम बहुत गरीब हैं आपके तो फ्रेंड राजा हैं आपके बचपन के दोस्त हैं उनके पास जाके बोली कि हमारा दरिद्रता मिटाएं गए इतना सत्कार हुआ लेकिन बोल नहीं पाए क्योंकि लव के अंदर कोई नीड नहीं कोई डिमांड्स नहीं कुछ नहीं लव इज़ सिंपल लव विदाउट एनी कंडीशंस लव इज़ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड वेरी पैस थैंक यू